नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, युद्ध के पांचवें दिन किया वैक्यूम बम से हमला। जेनेवा समझौते के तहत वैक्यूम बम पर पाबंदी, सोख लेता है हवा। रूस और यूक्रेन युद्ध के छठे दिन कीव की ओर बड़ी रूस की विशाल सेना, कीव समेत कई शहरों में बमबारी। यूक्रेन के 3 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र महासभा 76वें सत्र के दौरान यूक्रेन के दूत सरगई किस्टिसिया ने कहा, रूस को बिना किसी शर्त तत्काल यूक्रेनी क्षेत्रों में अपनी सेना को हटाना चाहिए, अगर यूक्रेन नहीं बचता तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। संयुक्त राष्ट्र में रूसी दूत वसीली नेबेंजिया ने कहा, मौजूदा संकट की जड़ यूक्रेन द्वारा किए गए कार्यों में ही निहित है। रूस ने शत्रुता की शुरुआत नहीं की, रूस इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। भारत ने यूक्रेन में बदतर होती स्थिति पर चिंता व्यक्त की, तत्काल हिंसा को रोकने का आह्वान। कहा, सच्ची ईमानदार और निरंतर वार्ता से भी मसले हल किए जा सकते हैं। सेमानिया से भारतीय छात्रों को लेकर विशेष फ्लाइट भारत लौटी, विमान में 182 छात्रों की वतन वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाया जा रहा है। महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, 105 रुपए बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम। दिल्ली में आज से 2012 रुपए में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर, मुंबई में इसकी कीमत 1963 रुपए। आगरा में उस समय हड़कंप मच गया जब ताजमहल के करीब से विमान निकला, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, ताजमहल के आसपास नो फ्लाई जोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मोदी ने ट्वीट किया, महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं, देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें, ओम नमः शिवाय। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,915 नए मामले सामने आए, 16,864 रिकवर, 180 लोगों की मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 92,472 हुई। यह थे फटाफट बुलेटिन, ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महाकवरेज, चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।